let's continue the topic creating a data frame objects. Your first construct है creating a data frame object from a 2D, two dimensional dictionary से हमको construct करना है data frame object. इसका definition लिख दिया हूँ. A 2D dictionary, two dimensional dictionary is a dictionary having item. देखिए मैंने आपको बताया था dictionary का मतलब होता है की वैल्यू फ्रेम और दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं आइटम्स. आइटम में क्या होता है एज अ की वैल्यू पेयर है ना. इसमें की हमेशा कॉलम इंडेक्स में डिवाइड करेंगे. वेयर की वैल्यू बिकम द कॉलम नेम कॉलम इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा एंड वैल्यू पार्ट आपका कुछ भी हो सकता है. अनदर डेटा इज डेटा स्ट्रक्चर सच एज एनी टाइप सच एज लिस्ट भी हो सकता है. मतलब वैल्यू को एज ए पास लिस्ट भी पास कर सकते हो. फर्स्ट आपका सब टॉपिक जो आपका लिस्ट में ही पास करना है लिस्ट भी पास कर सकते हो. यहाँ पे आपका सीरीज भी पास कर सकते हो नंबर अरे भी कर सकते हो और एक डिक्शनरी को भी पास कर सकते हो. कहने का मतलब डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी भी पास कर सकते हो एज अ वैल्यू पेयर. ठीक है लिस्ट अनदर डिक्शनरी कॉमन नंबर अरे सीरीज एक्सेट्रा. बट याद रखिए द वैल्यू पार्ट ऑफ ऑल द कीज याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. ऐसा नहीं कि पहला एक कॉलम अलग का लेंथ अलग हो दूसरा कॉलम का लेंथ अलग हो नहीं सेम सबका लेंथ सेम होगा. वैल्यू पार्ट ऑफ ऑल द की शुड हैव सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड इक्वल लेंथ. अगर लिस्ट हो तो सारे लिस्ट होंगे सबका साइज फाइव है तो सबका साइज फाइव होगा. ऐसा नहीं अलग अलग नहीं हो सकता. तो पहला इस पे सब टॉपिक है. इसमें देखिए दो आपके सिलेबस में दो सब टॉपिक है. मैं लिख दिया हूं ए क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम फ्रॉम ए टू डी डिक्शनरी हैविंग वैल्यू एज ए लिस्ट. हमको यहाँ पे वैल्यू पेयर क्या पास करेंगे इन फॉर्म लिस्ट पास करना है और दूसरा जो टॉपिक है उसमें डिक्शनरी को पास करना. ठीक है तो हम लोग डिस्कस करेंगे एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी का. इसको समझा देता हूं एग्जांपल से. कोडिंग अब आपका स्टार्ट हो रहा है यहां से. क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम फ्रॉम अ 2D डिक्शनरी हैविंग वैल्यू एज अ लिस्ट. अब मान लीजिए आपको आउटपुट निकालना है. फॉर एग्जाम्पल यहां लेते हैं नेम. एक कॉलम इंडेक्स हो गया नेम. यहां लेते हैं एज. लेते हैं सिटी. थ्री कॉलम्स है. नेम का कॉलम हो सकता है एज का कॉलम हो सकता है और सिटी. नेम मान लेते हैं ए बी सी डी. एज मान लेते हैं 18, 16, 15, 19. सिटी मान लेते हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू वैल्यूज है और इंडेक्स मान लेते हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंडेक्स आपका 0, 1, 2 है तो 0, 1, 2 ले जाते हैं 0, 1, 2, 3. ये आपका रो इंडेक्स. ठीक है अब इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे. बिफोर स्टार्ट द कोडिंग सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे पांडास को. देखिए इंपोर्ट हम लिखेंगे यहां पे इंपोर्ट पांडास एज पीडी. आप लिखते हुए सीरीज में भी सेम आप इम्पोर्ट कर देते हैं मॉड्यूल को पांडास को क्योंकि इसमें नंपी का यूज नहीं हो रहा है तो हम नंपी को इम्पोर्ट नहीं करेंगे. अब देखिए कैसे हम सीरीज ऑब्जेक्ट सॉरी डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. लेकिन मान लेते हैं डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम लेते हैं एस डेटा. फॉर एग्जाम्पल ले लिया एस डेटा इक्वल टू कोई भी आप एक्स वाई डेटा ले सकते हैं एस डेटा मान लेते हैं इक्वल टू चूंकि डिक्शनरी से बनाना है टू डी डिक्शनरी से बनाना है फ्रॉम डिक्शनरी कैसे कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं टपल में स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं. मैं फिर से बता रहा हूं और लिस्ट में मिडिल ब्रैकेट यूज स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं. ठीक है यहां पर डिक्शनरी है इसलिए हमने यहां पे कर्ली ब्रैकेट यूज किया. अब हमारा नेम है तो नेम क्या है कॉलम इंडेक्स है क्या लिखेंगे नेम. ये आपका कॉलम इंडेक्स की वैल्यू हो गया कोलोन. अब जो वैल्यू हमारा है एज लिस्ट के फॉर्म पे लिखा है टॉपिक है लिस्ट या लिखेंगे ए बी सी डी है तो सिंगल कोट देंगे ए बी सी डी कॉमा. तो ये आपका एक डिक्शनरी का की वैल्यू. की हमारा क्या है पहला नेम दिट इज कॉल्ड वैल्यू. वैल्यू हमारा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट है इसलिए हमने लिस्ट के फॉर्म में दिया स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया. वैल्यूज हमारा एबीसीडी है सिंगल कोट देकर डाल दिए. अब देखिए नेक्स्ट एज
फिल किया एज कॉलम अनदर कॉलम लिखेंगे 18 16 15 19 कॉमा। अब नेक्स्ट चाहिए आपका सिटी अनदर कॉलम इंडेक्स एक्स वाई जेड डब्ल्यू क्लियर हो गया। तो ये आपका जो है की वैल्यू पेयर कन्वर्ट हो गया डेटा फ्रेम में स्टोर हो गया एस डेटा में। अब आप लिखेंगे देखिए की वैल्यू पेयर कन्वर्ट हो गया एक पर्टिकुलर कॉलम पे, जैसे यहाँ पे नेम आपका कॉलम इंडेक्स हो गया और ये कॉलम डेटा हो गया है ना, और ये उसी तरह से एज अनदर कॉलम इंडेक्स है, ये कॉलम डेटा, सिटी कॉलम इंडेक्स कॉलम डेटा, ये तीनों कन्वर्ट हो गया इन टर्म ऑफ डेटा फ्रेम टू डायमेंशनल एसटी में। अब इस एसटी को डेटा को हम लोग कन्वर्ट करना है डेटा फ्रेम में, कैसे करेंगे लिखेंगे यहाँ पे डी एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम दे देंगे डीएफ वन इज द नेम ऑफ द डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट इक्वल टू पीडी डॉट बी कैपिटल डेटा फ्रेम। अब ये एस डेटा जो है उसको पास करेंगे एज आर्गुमेंट एस डेटा, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स बाय डिफॉल्ट लेगा और हम कॉलम इंडेक्स दे चुके हैं इसलिए बाकी पैरामीटर देने की जरूरत नहीं है। तो इसमें एक ही वैल्यू हम डेटा में पास करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंडेक्स तो ले ही लेगा। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, मान लेते प्रिंट डीएफ वन, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा देखिए हमारा पहला है नेम, तो यहां आएगा नेम ए बी सी डी, ठीक है, एज एज 18 जो भी आप दिए हैं यहां पे डेटा आ जाएगा 16 15 19, फिर है सिटी एक्स वाई जेड डब्ल्यू, क्योंकि इंडेक्स आपने यहां पे सप्लाई नहीं किया, यहां आएगा 0 1 2 3, दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड, ये कोडिंग का ये आउटपुट हुआ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अनदर एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे।